दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल फैंटसी क्रिक फैन। और इस वीडियो में जो मैच कवर कर रहे हैं सी सी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालीफायर ग्रुप ए का जो ये मैच होगा साइप्रस वर्सेस रोमानिया के बीच में। और इस वीडियो में आप सभी को हम एक एक प्लेयर्स के बारे में फुल स्टार्ट प्लस इन्फो देंगे और मैच प्रेडिक्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और ये जो मैच रहेगा आप सभी के इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन जाएगा, इस दोनों ही टीमों को से काफ़ी सारे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पर लो सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स भी देखने को मिलेंगे जो कि एज अ स्मॉली के साथ साथ ग्रैंड लीग्स भी विन कराकर देंगे। और दोस्तों साथ ही जानेंगे दोनों ही टीमों में कौन से वे प्लेयर्स रहेंगे जो आज के इस मैच में आपको बैटिंग से स्कोर करके देंगे और कौन से वे प्लेयर्स रहेंगे जो बॉलिंग विद बैटिंग दोनों से ही आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट निकाल कर दे। तो इस वीडियो को बिना स्किप के आपको एंड तक देखना है ताकि एक एक प्लेयर्स के बारे में आप सब डिटेल्स में जान पाओ क्या कुछ हमारे स्मॉली की टीम रहने वाली है और क्या कुछ हमारे ग्रैंड लीग के ट्रम्प प्लेयर जो कि एज अ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के लिए भी डिफॉल्ट रहेंगे उनके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना जरूर। दोस्तों सबसे पहले अगर आप सब अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि दोस्तों आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिलेंगे ज़रूर। वैसे भी आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हालांकि दोस्तों चलते हैं मैच प्रेडिक्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। और दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोग देख रहे हो फैंटेसी क्रिक फैन का टेलीग्राम चैनल को जहाँ पे जुड़ना आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ पे ऑलरेडी हमारे 6.2 के सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे ना आप सभी लोग डायरेक्टली हमारे चैनल पर जुड़ जाओगे जहाँ पर 6.2 के सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से इसलिए जुड़ना ताकि आप सभी लोग हमारे रियल चैनल पर जुड़ो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे नाम से काफ़ी सारे फेक सब्सक्राइबर्स वाले चैनल भी है जहाँ पर लोग पैटिंग बेच रहे हैं। तो रियल चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा तो क्लिक करके डायरेक्टली जुड़िएगा जरूर। हालांकि दोस्तों चलते हैं मैच प्रेडिक्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। और आपको यहाँ पर जुड़ना देखो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जिस टीम से मेरी खुद की अपनी इन्वेस्टमेंट होती है वो टीम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे, तो आप सभी को जुड़कर लास्ट मिनट तक एक्टिव रहना, तो ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। हालांकि चलते हैं मैच प्रेडिक्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे इनकी मैच इन्फो के बारे में। तो ये मैच हो रहा है आईसीसी मैंस टी20 वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालीफायर ग्रुप ए का ये मैच होगा जो इस सीरीज का पांचवा मुकाबला खेले जा रहा है साइप्रस वर्सेस रोमानियो के बीच में। और ये मैच देखो आप सभी के इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन जाएगा। ये लगभग मैच आपको लगभग 1:30 बजे करीब स्टार्ट होगा, तो कॉन्टेस्ट आपको पहले से ज्वाइन करके रखना। वेन्यू की बात करें ये मैच तिकोरला क्रिकेट ग्राउंड पे खेला जाएगा, बाकी जो भी इनका एवरेज स्कोर रहेगा आपको 120 से 150 के बीच में स्कोर बनता तो होना रहेगा। पर टेलीग्राम चैनल से जो लोग भी अभी तक हमारे जुड़े नहीं है तो शायद बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आप सभी को जुड़ने के लिए करना क्या रहेगा, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो अगर आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो नीचे मैंने ऐसा आपको लिंक दे दिया, और जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे ना आप सभी लोग डायरेक्टली हमारे चैनल पर जुड़ जाओगे। अब देखो रिसेंट दोनों ही टीम अपने एक एक मैचेस खेल कर आ रही है, जहाँ पर साइप्रस ने अपनी सीरीज के अंदर एक मुकाबले खेले वो भी लॉस ही किया, रोमानिया की टीम इस सीरीज के अंदर अपने एक मैचेस खेले वो वन करके आ रही है। वेन्यू स्कोरिंग पैटर्न की बात करें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार विन किया, बॉल फर्स्ट करने वाली टीम 6 बार विन करके आ रही है। देखो ज़्यादातर चांसेस रहेंगे तो रोमानिया की टीम इस मैच को इजिली विन कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं इनके प्लेयर स्टैटिस के बारे में। तो इनकी टीम की कुछ रमेश नजर आएंगे जो कि टीम की कैप्टनसी कर राइट अंडर बैट्समैन राइट मीडियम बॉलिंग करते हैं, और टी20 के 24 मैचेस में 775 रन 43 के बजे 14 विकेट इनके नाम है। पर रिसेंट मैचेस में इन्होंने ढक पर आउट हुए थे, हालांकि ये बॉलिंग विद बैटिंग दोनों ही कराएंगे और इस मैच के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेंगे जो इस बॉलिंग में आप सभी को एज अ प्लेयर इनको पिक करके जाना। वैसे भी देखो लास्ट वाला मैच फ्लॉप गया इस वजह से काफ़ी लोग इन्हें ड्रॉप करके भी जा रहे हैं, तो काफ़ी इनका लो सिलेक्शन है ड्रिल पर। अगर आप सब मिनी जीएल और ग्रैंडली खेलो तो वहाँ पर आप इन्हें कैप्टन एंड वाइस कैप्टन करना, बाकी जो लोग भी स्मॉल लीग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग तो एज अ प्लेयर के साथ ही जाओ। तरनजीत सिंह की बात करो तो स्मॉलिंग में भी कैप्टन करके जा सकते हो, वैसे भी इन्होंने राइट हैंडर बैट्समैन राइट हैंड मीडियम बॉलिंग करते हैं। टी20 के 15 मैचेस में 644 रन 49 कवरेज 20 विकेट इनके नाम है, तो बॉलिंग विद बैटिंग से जो इनके पास टी20 से करियर स्टार्ट है वो काफ़ी बेहतरीन है। और रिसेंट मैच में भी आपको 11 पर 2 विकेट है जहाँ पर इन्होंने 4 ओवर के बॉलिंग कराए, तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी करके जाना। हालांकि टीम के ओपनर्स प्लेयर्स रहेंगे तो बैटिंग से भी आपको स्कोर करके देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सत्विक नजर आएंगे जो राइट हैंडर बैट्समैन राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलिंग भी करती हैं, पर टी20 के इन्होंने 16 मैचेस में 189 रन 16 का एवरेज 8 विकेट इनके नाम है। एज अ बॉलिंग से जो फॉर्म देखो पार्ट टाइम बॉलर यानी कि 2 से 3 ओवर बॉलिंग कराएंगे, इससे ज़्यादा ये बॉलिंग करा कर देंगे नहीं। वैसे भी लास्ट वाला मैच इन्होंने 9 का स्कोर के 1 विकेट निकाला, एज अ 3 ओवर के बॉलिंग कहीं ना कहीं एज अ बॉलिंग में बैटिंग कर रहे, फिर भी एज अ प्लेयर आप सभी को स्मॉलिंग में लेकर चलना, ग्रैंडलिंग वगैरह में आप सभी ने कैप्टन एंड वाइस कैप्टन करना। बाकी यहाँ पर रोहित कुमार का तो कुछ खास टी20 करियर स्टार्ट्स है नहीं, टी10 का रिकॉर्ड है 22 मैचेस में टोटल 291 रन 14 का एवरेज है, एज अ मिनी जीएल ग्रैंडलिंग में ही पिक करना। और शिव कुमार का थोड़ी बहुत फॉर्म आपको ठीक ठाक देखने को मिलेंगे, राइट हैंडर बैट्समैन टी20 के 19 मैचेस में 371 रन टोटल 37 के एवरेज है,
जीरो विकेट है इनका। वैसे भी इन्होंने लास्ट वाले मैच में 50 का स्कोर एज अ बैटिंग से, जो इनके पास कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक रहेगा। स्मॉलिंग में एज अ प्लेयर इनको पिक करके जाना। उसके बाद सनी गे जो फॉर्म है, राइट हैंडर बैट्समैन, राइट मीडियम बॉलर एज अ पार्ट टाइम बॉलर है, पर 19 मैच में इन्होंने 16 विकेट निकाला, 304 का स्कोर है, 38 का एवरेज है। और रिसेंट मैचेस इन्होंने 52 का स्कोर करके जीरो विकेट है, जहाँ पे एक ओवर के बॉलिंग रहा एज ए कैप्टन है, वाइस कप्तान मिनी जीएल और ग्रैंडिंग में करना, बाकी स्मॉलिंग इन्वेस्ट करे तो फिर एज अ प्लेयर के साथ ही जाओ। उसके बाद आपको यहाँ पर हसन नजर आएंगे, जो इन्होंने भी T20 के 17 मैचेस 122 रन 12 का एवरेज है, टोटल 23 विकेट इनके नाम है। रिसेंट मैचेस इन्होंने 1 विकेट निकाला या 3 ओवर के बॉलिंग करा कर, हालांकि टीम के एज अ मेन बॉलर है, फिर भी आपको बॉलिंग से 2 विकेट निकाल कर देंगे, सेफ रिस्क रहेंगे, स्मॉलिंग में ना पिक करके जाना। उसके बाद ग्रीष्म भी लास्ट वाले मैच इन्होंने कुछ खास ना तो बैटिंग कराई ना तो बॉलिंग ही कराई, वैसे भी T20 के 4 मैचेस में 1 विकेट है, ग्रैंडली वगैरह के एज अ डिफॉल्ट ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो वशिष्ठ का फॉर्म अगर आप देखो तो इन्होंने T20 के 13 मैचेस में टोटल 13 ही विकेट निकाले, और वैसे भी यहाँ पर कोहली का भी कुछ खास बेहतरीन रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर भी आप सब इन दोनों में से किसी एक को ही पिक करना, आपको किसी एक को ही ट्राई करना, अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करे तो फिर अगर आप रिस्क कर पाओ दोनों के साथ जाओ। उसके बाद यहाँ पर मरीने का तो कुछ खास बेहतरीन रिकॉर्ड नहीं है, तो फिलहाल अभी हम इन्हें ड्रॉप करके ही जाएंगे। आप देखो टेलीग्राम चैनल से हमारे जो लोग भी अभी तक जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस मैच से रिलेटेड आपको हर एक अपडेट हर एक इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देंगे। और दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो साइप्रस की टीम है, इनके प्रोबेबल लाइनअप और इनके प्ले स्टार्टर्स प्ले इन्फो के बारे में, तो इनकी टीम की ओर से अहमद नजर आएंगे, जो कि एज ओपनिंग बैटिंग आएंगे। T10 करियर स्टार्ट्स में 13 मैच में 317 रन, टोटल 38 कर जी 11 विकेट इनके नाम है। T20 करियर स्टार्ट्स इनका है नहीं, क्योंकि ये अपने टूर्नामेंट इस सीरीज़ का, ये ICC T20 वर्ल्ड कप इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ का पहला ही मैचेस इन्होंने अपने खेले थे, जहाँ पे 25 का स्कोर जीरो विकेट है एज अ 3 ओवर के बॉलिंग का। तो T10 करियर स्टार्ट्स के मुताबिक फॉर्म इनका ठीक ठाक रहेगा, वैसे भी स्मॉलिंग में एज अ प्लेयर इनको पिक करके जाना। मिनी जीलो ग्राइंडिंग में आप सभी ने कैप्टन एंड वाइस कप्तान भी कर सकते हो। डिसिल्वा का तो कुछ खास बेहतर रिकॉर्ड नहीं है, 4 मैचेस में 71 रन, टोटल 17 का एवरेज है, 1 विकेट इनके नाम है। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ऑफ स्पिन बॉलिंग करते, वैसे भी लास्ट वाला मैच एज अ फ्लॉपिंग है, ग्रैंडली वगैरह में पिक करके जाना। शदुन का जो फॉर्म T20 के 7 मैचेस में 52 रन, टोटल 18 का एवरेज है, 2 विकेट इनके नाम है। और सीरीज के अंदर इन्होंने 22 का स्कोर के 1 विकेट निकाले, जो 2 ओवर के बॉलिंग, और कहीं ना कहीं इस मैच के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे, जो बॉलिंग से नहीं तो बैटिंग से आपको स्कोर करके देंगे, तो वैसे भी इस मैच के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो अभी सिलेक्ट करके जा रहे हैं। उसके बाद गुरप्रीत सिंह एज अ कैप्टन है, वाइस कप्तान मिनी जेल और ग्रैंडिंग में भी करना। T20 के 7 मैचेस में 133 रन, 19 का एवरेज, 6 विकेट इनके नाम है। राइट हैंडर बैट्समैन, राइट मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं, और लास्ट वाला जो मैच इनका 10 का स्कोर 0 विकेट है, 2 ओवर के बॉलिंग, तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो आप सभी स्मॉलिंग एज अ प्लेयर करके जाओ। स्कॉट का तो कुछ खास बेहतर रिकॉर्ड नहीं है, और यहाँ से रोमान को भी ड्रॉप करके जाएंगे, दोनों ही ऑप्शन आप सभी को मिनी जेल और ग्रैंडिंग में ही पिक करना। अब देखो आपके पास नीरज तिवारी नजर आएंगे, जो राइट हैंडर बैट्समैन, राइट में ऑफ स्पिन बॉलर है। T20 के 7 मैचेस 140 रन, 23 के बजे 3 विकेट इनके नाम है। रिसेंट मैचेस 18 का इसका कोई 0 विकेट है, या 2 ओवर के बॉलिंग, मिडिल ऑर्डर इनका बैटिंग देखने को मिलेंगे, पर बॉलिंग से तो कुछ खास इनका बेहतर रिकॉर्ड नहीं है, 7 मैचेस में 3 ही विकेट है। अगर आपको रिस्क लेना होगा तो अपने स्मॉलिंग में पिक करके जाना, वरना आप इन्हें ड्रॉप करके भी जाओ। उसके बाद यहाँ पर नेलिंग का तो कुछ खास बेहतर रिकॉर्ड नहीं है, T20 के 20 मैचेस में 20 रन, 10 का एवरेज है। इन्होंने अपने टीम की ओर से विकेट कीपनिंग भी करते हैं, जैसे ग्रैंडली वगैरह का इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखो हमारे पास तरनजीत सिंह जो टीम के एज अ मेन बॉलर, तेजविंदर सिंह जो टीम के एज अ मेन बॉलर, राइट मीडियम फास्ट बॉलिंग, जो लास्ट वाले मैच 1 विकेट निकाले जो 3 ओवर के बॉलिंग, वैसे भी T20 करियर स्टार्ट्स में 7 मैचेस में 9 विकेट निकाले हुए, तो एज अ प्लेयर इनको पिक करके जा रहे हैं। उसके बाद श्री रुवान नजर आएंगे, जो T10 का स्टार्ट है, 26 मैचेस में टोटल 21 विकेट है, और रिसेंट मैचेस फ्लॉपिंग है, फिर भी आप सब रियाज या फिर इन दोनों में से किसी एक को अपने स्मॉलिंग में सिलेक्ट करके जाना। अब देखो हमारे चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि इस मैच से रिलेटेड आपको हर एक अपडेट्स हर एक इन्फॉर्मेशन, और जो भी एक हमारी विनिंग टीम रहेंगी इसकी भी अपडेट्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ही देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो रोमानिया की टीम है, इनकी प्ले स्टेटस के बारे में। देखो हमारे उम्मीद से रोमानिया की टीम इस मैच को इजीली विन कर पाएंगे। अगर हम बात करेंगे इनकी विकेट कीपनिंग से, तो आपको यहाँ पर अश्वी का जो फॉर्म है एज अ थोड़ी बहुत बैटिंग ऑर्डर ऊपर है, और लास्ट वाले मैच एज अ बैटिंग से भी फॉर्म ठीक ठाक ही था, तो फिलहाल एज अ प्लेयर इनको पिक करके जा रहे हैं। इसके सिवा हमारे पास जो एज अ बैटिंग से शिव कुमार नजर आएंगे, जो 1 डाउन और 2 डाउन बैटिंग भी कर रहे हैं, एज अ बैटिंग से जो इनके पास कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस वो भी एक ठीक ठाक ही रहेगा। देखो आपके पास जो डिफॉल्ट ऑप्शन रमेश रहेंगे, जो कि 41% लोगों ने ट्राई किया, वैसे भी टीम के कैप्टन भी है, काफ़ी कम लोग इनको पिक करके जा रहे, तो हमारे लिए डिफॉल्ट रहेंगे। पर मिनी जीएल
ग्रैंडली वगैरह में आप सभी ने कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी करना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ऑलराउंडर सिंह, तो आपको यहाँ पर टी सिंह और यहाँ पर शनी को पिक करेंगे एज अ बॉलिंग एंड बैटिंग करके देंगे। उसके बाद हमारे पास जो टीम के दो ही मेन बॉलर रहेंगे, इनको तो ड्रॉप करेंगे नहीं, जो चार ओवर कन्फर्म बॉलिंग करेंगे और एक दो विकेट आपको निकाल कर देंगे। तो सात प्लेयर मैंने रोमानी को टीम की ओर से रखे। उसके बाद अगर इनकी बैटिंग सेक्शन से बात करें, तो हमारे पास रोमन, इसके सिवा अगर हम देखें तो अगर आप सब चाहो तो चमन को पिक करना, तो ऑलमोस्ट अगर आप सब अपने स्मॉलिंग में रिस्क ले पाओ तो ही पिक करके चलना। पर मेरे हिसाब से अभी आप सभी ने बैटिंग सेक्शन से सेफ ही जाओ। अगर हम देखें तो इनकी जो बॉलिंग है वो भी हमारे लिए ठीक ठाक ही है। फिलहाल दोस्तों सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट करें। कैप्टन के लिए अगर हम बात करें तो टी सिंह एज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेंगे इनके सिवा। वाइस कैप्टन के लिए आप सब शनी के साथ ही जाओ। थोड़ी बहुत ये बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों ही करते हैं, वैसे भी इनका फॉर्म बैटिंग से ही, और कहीं ना कहीं सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट करें सर। डिफॉल्ट ऑप्शन वाइस कैप्टन के लिए जय सिंह रहेंगे। अगर आप सब चाहो तो इनके साथ भी जा सकते हो, या फिर बॉलिंग सेक्शन से आप सब इन्हें अभी हसन को भी वाइस कैप्टन कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों अभी हम इन्वेस्टमेंट सेम टीम के साथ कर रहे हैं, पर जो भी एक हमारी विनिंग टीम रहेंगी इसकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे। और जुड़ने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना। बाकी दोस्तों मिलते अगले वीडियोज़ में किसी नेक्स्ट मैचेस की प्रेडिक्शन के साथ।